परिवर्तन है, किस प्रकार राज्य की आर्थिक स्थिति, जिसकी चेतावनी मैंने छत्तीसगढ़ के विधानसभा में दिया था कि राज्य दिवालियापन की स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है, और अब नतीजे सामने आने लगे। सिर्फ 70 दिन के अंदर ही उसके रिजल्ट आने लगे। कोषालय में सर्वर 22 दिन से डाउन है, डाउन है नहीं। आज आईटी के युग में कोई 10 मिनट के लिए भी सर्वर डाउन नहीं होता। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, जानबूझकर पैसे ना होने की वजह से 2000 करोड़ के बिल अटके हुए हैं। 2000 करोड़ के बिल का पेमेंट करने की स्थिति नहीं, 1 तारीख आ गया है, सिर पे तनख्वाह देने की स्थिति नहीं, विधायक के तनखे नहीं मिल रहे हैं, पेंशन की राशि, जितने प्रकार के पेंशन होते हैं वो सारे पेंशन महीनों से बंद पड़े हुए हैं। सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं को बंद करने की साजिश हो रही है कि कभी चना की योजना बंद करेंगे, नमक की योजना चलेंगे, 450 करोड़ की हम सब्सिडी देते थे उसको भी बंद करने की साजिश, दाल भात केंद्र बंद कर रहे हैं। अरे भाई, दाल भात केंद्र तो बड़ी योजना है, यदि सिर्फ चावल नहीं मिलता तो चावल की वजह से इतना रोना क्यों रो रहे हो? छत्तीसगढ़ में चावल है, सब्सिडी हम 1 रुपये किलो चावल देते हैं, गरीबों के लिए योजना है। 150 करोड़ में सिर्फ आरोप लगा देना और ऐसे वित्तीय स्थिति में चक्र में छत्तीसगढ़ को फंसाने का षड्यंत्र है, और ये तो अभी शुरुआत है। क्या स्थिति होगी? 2 साल का बोनस अभी तक नहीं दिया गया है लोगों को, पेमेंट किसानों को ऋण माफी हुआ है पर किसानों को अभी तक प्रमाण पत्र वितरित नहीं किए गए क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। क्या स्थिति होगी जो आने वाले समय में जितनी घोषणाएं हैं, वो शिक्षकों के बारे में जो 8 साल के हैं उनको रेगुलर करने का, जो संविदा कर्मचारी और दूसरे कर्मचारियों, क्या स्थिति होगी? कुल मिला के सिर्फ वोट की राजनीति के लिए बड़े बड़े सपना दिखाकर जिस प्रकार ये सरकार चल रही है, कोई निर्माण कार विकास काम सबको ठप कर दिया गया है। मुझे लगता है कि एक आर्थिक अराजकता की स्थिति में प्रदेश पूरी तरीके से फंस चुका है, जिससे निकलने के लिए कर्ज पे कर्ज, 7 बार कर्ज अलग अलग बैंक से। अब कुछ दिन बाद जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से इनको सीधा कहा जाएगा कि अब राज्य की वित्तीय स्थिति लौटाने की नहीं है, तो इनको कर्ज मिलना भी जब बंद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये बोनस और ये 2 साल के लिए जो बचा हुआ पेमेंट है किसानों को कब तक दिखाया जाएगा। सिर और सिर्फ नारेबाजी की सरकार है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ को एक ऐसा वित्तीय मजबूती का राज्य रहा है, 15 साल मैंने इस राज्य में बेहतर वित्तीय प्रबंधन भी किया, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया, और जो सकल बजट का घाटा होता है उसको हमने FRBM एक्ट के तहत जो केंद्रीय स्तर में जो एक मापदंड है उस मापदंड के अंदर 3% से कम रखा। आप आश्चर्य करेंगे, 3% से बढ़ के 6% 6.2% हो चुका है। यानी अभी तो सिर्फ कर्ज की शुरुआत हुई है, सिर से पैर तक कर्ज में लदने वाली है सरकार, और ये आप देखेंगे कि जितने निर्माण विकास काम है उनकी क्या स्थिति होगी। छत्तीसगढ़ में तनख्वाह देना मुश्किल हो रहा है, कैसी सरकार चलेगी? एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।